हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू इन द ATZ लर्निंग क्लास मीडिया प्रेजेंट्स यू साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार। हेयर वी स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2। दिस इज स्पेशली फॉर क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट। Here we already study about a flower, a fascinating organ or a gymnosperms. In term of flowering plant, we already study about pollination and a structure of pollen grains and the use of pollen grain. We already study about these all. Now we are going to study about a special topic about female. This is in the figure. You can see a scanning electron microscope of few pollen grains. These are the structure of pollen grains. Now we are going to study about a special topic. This topic contain the knowledge of pistil, megasporium, ovule and embryo sac. As we know what is pistil and what is ovule and embryo sac, बस हम लोग इन चीज़ों के बारे में जान बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। कई क्लासों में हम लोग ने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग जानेंगे। आपने कई क्लासों में पिस्टिल के बारे में सुन रखा है ना, एम्ब्रायो सुना है, तो हम लोग कुछ स्पेशल इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में कुछ बायोलॉजी के स्पेशल टर्म्स जानेंगे। जैसे ये आपके पहले ही आ गया, द गाइनोसियम्स रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोसियम्स जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑफ फ्लावर का। ये पूछा भी जाता है गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, यानी गाइनोसियम टर्म आप कहीं देखिएगा तो वो सिंगल पिस्टिल होगा। इसको मोनो कैपिलरी और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। अगर एक से ज़्यादा किसी फ्लावर में पिस्टिल आपने देखा तो उसमें हो जाएगा मल्टी कैपिलरी। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर, इसको बोलेंगे साइनकार्पस। साइनकार्पस फिगर भी हम लोग देख लेंगे। ये फिगर 2.7B में आपको दिखाई पड़ेगा। और मे बी फ्री एपोकार्पस। ठीक है, इस फिगर को हम लोग 2.7C में अगेन देखेंगे। इच पिस्टिल हैव थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं जो फिगर 2.7A में हम लोग देखेंगे। ये है आपके स्टिग्मा, स्टाइला और ओवेरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज लीडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उतरने वाला प्लेटफॉर्म है ना। पॉलिनेशन के दौरान पॉलन जो होते हैं उसी में रिसीव होते हैं, इसलिए ये टर्म इस्तेमाल किया गया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी स्टाइल जो होता है वो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के से जुड़ाव होता हुआ एक आपका सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड पार्ट होता है जिसको स्टाइल कहते हैं। द बेसिकल ब्लड पार्ट ऑफ पिस्टिल इज द ओवेरी, तो ओवेरी आपका बेसिकल बगल्ड पार्ट होता है। ठीक है, इनसाइड ओवेरी, ओवेरी की तरफ ही आपको ओवेरी कैविटी जिसको लोक्यूल कहते हैं, ठीक है, वो मिलता है। फिर इसमें प्लेसेंटा, ठीक है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में यहाँ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा
जो एक तरह का ट्यूब टाइप का होता है, वह जुड़ा होता है आपका। लोकेशन उसकी कहाँ होती है? तो ओवेरियन कैविटी में होती है। रिकॉल द डिफिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू कैन स्टडी इन इन क्लास 11। ये प्लेसेंटा वाले टर्म जो है आपने 11 क्लास में जो की वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें आप क्लेरिफाई हो जाएगा, आप बढ़िया तरह समझ लेंगे इसको। अब चलिए हम लोग पिक्चर की स्टडी कर लें। देखिए स्टिग्मा को शो किया गया है, ये स्टिग्मा आपको दिखाई पड़ रहा होगा पिक्चर में, ये स्टाइल है ठीक है। फिर देखिए ये ओवेरी नीचे की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ ये ओवेरी हो गया, ये थैलमस है ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं स्टिग्मा ये ऊपर की तरफ हुई है, अलग अलग फ्लावर्स के स्टिग्मा को दिखाया ठीक है। फिर ये देखिए ये अलग फ्लावर है, इसका कार्पल को दिखाया, कार्पल हो गया, कार्पल को दूसरे टर्म में हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं ठीक है। ये देखिए एक अलग फ्लावर का दिखाया है, ये डी नंबर, ये है आपका हीलम, फनीसाइड, माइक्रोफाइल, माइक्रो फाइलर पोल, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियोस एम्ब्रायो सैक। ये इसके अलावा आपका कैजल पोल भी है इसमें। चलिए ये सब क्या है, ये किन किन फ्लावर के हैं? जैसे आप ए नंबर डिस्कस्ड फ्लावर हिबिस्कस सो इन पिस्टिल, ये अदर फ्लोरल प्लांट हैज बिन रिमूव्ड। तो ये आपका जो ये ए नंबर फिगर आपने देखा हिबिस्कस उड़हुल का है फूल, उसके पिस्टल को शो किया गया है जिसके फ्लोरल पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, तभी ना पिस्टल दिखाई देगा, ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। फिर आता है बी नंबर जो है आपका मल्टी कार्पल को दिखा रहा है ठीक है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है मल्टी कार्पलरी को दिखा रहा है, जिसमें आपके साइन कार्पस पिस्टल ऑफ पेपोवर है, और सी नंबर जो है आपके मल्टी कैपलरी को दिखा रहा है, कार्पलरली को दिखाया है जिसमें आपके एप्रोकोपस है और जाइनोसियम और ऑफ माइसेलिया है, ए डायमेटिक व्यू ऑफ ट्रिपिकल एट्रोनोपस ओवल को ये शो किया है ठीक है। आपको अब समझ में आ गई होगी बात। चलिए तो अब हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। इसी टर्म में अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा एस्प्रोंगिया कॉमनली कॉल्ड ओवल्स, इसको कॉमनली हम लोग ओवल्स कहते हैं, जहाँ पे प्लेसेंटा जो होता है वह आपका मेगा एस्प्रोंगिया होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओवल्स कहेंगे। द नंबर ऑफ ओवल इन एन ओवेरी में भी वन, एक होगा, जैसे वीट हो गया, गेहूँ आपका, पैडी, मैंगो, इसमें जो ओवेरी होंगे वह कैसे होंगे, एक सिंगल वाला नहीं, टू मैनी, और किसी में ज़्यादा वाले भी होंगे, ज़्यादा वाले जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चर्ड्स हो गए, इसमें बहुत सारे ओवल्स होंगे। अब आता है आपका द मेगा एस्पोंगियम जिसको ओवल बोलते हैं, लेट अस फेमलाइज फेमलाइज आउज सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एगिनो स्पर्म ओवल, जिसको हम लोग फिगर 2.7D में देखेंगे है ना, या देख लिए हैं। द ओवल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ द स्टॉक, जिसको फ्यूनिसल कहते हैं, यानी ओवल जो है स्पेशल तरह के आपके स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा से अटैच होता है, जिसको हम लोग फ्यूनिसल कहेंगे, फ्यूनिकल ठीक है। द बॉडी ऑफ ओवल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ द हीलियम, यानी जिस रीजन में जोड़ते हैं उस रीजन को बोलते हैं हीलियम ठीक है। दस हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओवल और फ्यूनिकल, यानी कि एक जंक्शन का काम करता है ओवल और फ्यूनिकल में। ईच ओवल हैज
वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप्स होते हैं जिनमें, जिनको बोलते हैं हम लोग इंटी ग्यूमेट्स कहते हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेट्स इनसर्किल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफाइल। अब इंटेलिगस क्या होता है, सारे के सारे ओवरी में एक पार्ट होता है प्रोटेक्टिव, जो एम्ब्रायो की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्टिव एनवेलप के रूप में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी वाले इंटेंग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेंग्यूमेंट्स जो होते हैं इन सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल माइक्रोफाइल। इसी में एक आपका स्मॉल ओपनिंग पोर्शन होता है उसके टिप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइल। ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है अपोजिट टू माइक्रोफाइलर इंड, उसके ठीक अपोजिट में आपका क्लाजा होता है। क्लाजा रिप्रेजेंटिंग द बास्कल पार्ट ऑफ ओवल, तो ये आपके बेस्कल पार्ट ऑफ ओवल होता है। इनक्लोज विद इन द इंटेंगमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जो आपके पूरा इनक्लोज पार्ट होता है विद इन द इंटेंगमेंट्स में जो आपके सेल्स होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजल्ट ऑफ फूड मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एम्ब्रायो सेक फीमेल ज़ेनोफाइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेल होते हैं वो न्यूक्लियस वाले, उसमें अबंडेंस ऑफ रिजर्व मतलब फूड को रिजर्व करके रखते हैं। लोकेट इन, जो लोकेट करता है किसमें, एम्ब्रायो सेक के रूप में या फीमेल ज़ेनोफाइट भी इसको बोलते हैं। एन ओवल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म ए मेगा स्पोर। जब भी हम लोग ओवल की बात करते हैं तो ओवल जनरली ज़्यादातर आपके सिंगल एम्ब्रायो सैक वाले होते हैं, जो कि आपके मेगा स्पोर के फॉर्म करते हैं को बनाते हैं। अब आइए मेगा स्प्रॉन्ग गेनिसिस के बारे में जानेंगे। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पॉर्म्स फ्रॉम द मेगा स्पॉर्म मदर सेल्स से बनता है, जिसको हम लोग मेगा स्पॉन्गिसाइसिस कहते हैं, जो कि ओवल्स के जनरली डिफ्रेंशिएट करता है। एक सिंगल मेगा स्पॉर्म्स मदर तैयार करता है, जिसको MMC कहते हैं शॉर्टकट में। MMC का फुल फॉर्म हो गया आपका सिंगल मेगा मदर सेल हो जाएगा MMC का, ठीक है, इन द माइक्रोफाइलर रीजन में। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पॉन्गेसिस बोलते हैं। ये मेगा स्पॉन्जेसिस जो होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, तो ये आपके मेगा स्पॉन्ग मदर सेल होता है जिसको मेगा स्पॉन्सिस कहते हैं। ये आपके मेगा स्पोर्स बनाता है, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग मेगा स्पॉन्सिस कहते हैं। ओवरी जो होते हैं उनमें एक सिंगल मेगा स्पॉर्म होता है, जिसको हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं, MMC कहते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, ये कहाँ पाया जाता है, तो माइक्रोफाइलर रीजन में पाया जाता है, ठीक है। आगे ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा लोड होने दीजिए, थोड़ा इसमें समय लगता है, ये सिस्टम थोड़ा छोटा सा सिस्टम है, इसलिए यह फिगर्स है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी जैसे जिसकी चर्चा हो रही थी मेगा माइक्रो फाइलर इंड की, ये फिगर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस है ना, फिर ये मेगा स्पोर्स मदर सेल है। इस सारे सारे अभी जो बातें हो रही हैं है ना, फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, रुक जाइए एक मिनट, पहले रुक जाओ जी, अभी कुछ करना नहीं है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, इसको यहाँ से फिक्स कर देते हैं सबसे अच्छा, और थोड़ा सा इधर, हाँ आगे हम लोग वहाँ पे जहाँ पढ़ाई हो रही थी। चलिए इसको अब हटा देते हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, ये है आपके माइक्रो फाइलर इंड, ये न्यूक्लियस है, ये मेगा स्पोर्स मदर सेल जिसको MMC कहते हैं, ये इसी तरह का दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब आइए इसमें दूसरे
माइक्रोफाइल रिंड दिया है न्यूक्लियस से और मेगा एस फोर डायड्स से, ठीक है। इसके बाद देखिए मेगा एस फोर स्ट्रेट्स है, ठीक है। मैग्रा मेगा माइक्रोफाइल एंड में दिखाया है ये, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये आपके कुछ डॉट्स दिखाए हुए है ना, ये क्या है इसको जानिए। ये आपके साइन ग्रीड्स, ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके क्या है। तो देखिए ये आपके पोलन ग्रेन्स है ना, ये एग में गया है ना, इसको एग सेल ही मानिए। जो सेंट्रल सेल है ये टू पोलर न्यूक्ली है और ये आपका एंटी पोडल्स है। अब इसको और माइक बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ये आपका हुआ क्लेजल हो गया, एंटी पोडल्स हो गया, ये पोलर न्यूक्लियर हो गया, सेंट्रल सेल हो गया, एग हो गया, और ये आपके साइनोग्रिड्स हो गया, और ये फल्ली फ्रॉम एपर्टस हो गया। तो पार्ट ऑफ ओवरी को दिखाया हुआ है, शोइंग अ लार्ज मेगा स्पोर मदर सेल को दिखाया हुआ है, ए डाइड एंड ए ट्रैड ऑफ मेगा स्पोर और 2, 3, 4 न्यूक्लियर स्टेज बता रहा है एम्ब्रायो सेक का, एंड मैच्योर एम्ब्रायो सेक को भी शो कर रहा है इसमें बी नंबर पे। और सी नंबर है ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रायो सेक बता रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं पढ़ाई में, है ना। हम लोगों ने जाना था आपके MMC के बारे में जाना था, ये माइक्रोफाइलर रीजन में है ना पाया जाता है ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के माइक्रोफाइलर रीजन में पाया जाता है। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी ही माने आपका ज़्यादा घनत्व वाला होता है, एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द MMC अंडर मीटोसिस डिवीजन में होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ MMC अंडरगो मायोसिस, मायोसिस में इसका क्या क्या कार्य है, तो जानिएगा आप लोग। मायोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पर्म, तो मेगास्पर्म्स 4 पैदा कर सकते हैं, ठीक है, यही इसका महत्व है। तो आइए आप आगे, फीमेल आपके गैमेटोफाइट्स, ठीक है, या गैमेटोफाइट कह सकते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट्स इन द मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, वन ऑफ द मेगास्पर्म्स इन इज फंक्शन वाइल द अदर थ्री डीजेनरेट, यानी कि एक फंक्शन करता है मेजोरिटी फ्लोरिंग प्लांट में, आपके वन जो मेगास्पर्म फंक्शनल करता है, बाकी जो आपके तीन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको 4 बताया था, 4 को मेयोसिस बताया था, मेगास्पर्म्स तैयार होते हैं, लेकिन उसमें फंक्शन एक ही करेगा और तीन जो है डीजेनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शन मेगास्पर्म डेवलप इनटू द फीमेल गैमोसाइट या एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो सैक बनेगा, बाकी तीन जो है वो आपके क्या होंगे, डी जेनेटिक हो जाएंगे। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पर्म इज टेंडेड मोनो स्कोपिक डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की क्रिया को हम लोग मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं कि 4 तैयार हुए तो 4 में से एक ने फंक्शन शो किया, बाकी डिजेनेट हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस MMC, द फंक्शन ऑफ मेगा पोस एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, तो इसको जानने के लिए हम लोग नीचे आते हैं, नीचे पढ़ाई करते हैं तो समझ में आएगी नीचे जो बातें बताई गई हैं। लेट अस स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर्स डिवीजन मीटोकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस विच मूव टू द अपोजिट पोल, तो 2 एक बार में वो जनरेट करता है आपके न्यूक्लियस को, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियट एम्ब्रायो सैक, तो इससे से 2 एम्ब्रायो सैक जो उन न्यूक्लियस से पैदा हो गए, और 2 मोर सिक्वेंटल माइटोसिस
मिटोटिक न्यूक्लियस डिवीजन करके फिर आपके अनदर चार न्यूक्लियेट को करते हैं, उसका ये चार फिर आठ न्यूक्लियेट स्टेज में पहुंच जाता है एम्ब्रायो सेक का। एट द इंटरेस्टिंग इज नोट दैट मीटोमायोटिक डिवीजन जब भी होगा, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, तो फ्री न्यूक्लियर वाले होंगे। अदिस न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमिडिएटली, ये तुरंत फॉलो नहीं होते हैं बाई सेल वॉल से। आफ्टर एट न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन, तो आठ के बाद से लेट डाउन हो जाएगा, ये सोलह नहीं हो जाएगा, ना कि आपके सोलह बत्तीस ऐसा कुछ नहीं होगा। और लीडिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ टिपिकल फीमेल जेमेटोफाइट्स तैयार कर देगा। और एम्ब्रायो सेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इन इनसाइड द एम्ब्रायो सेक सिक्स एट न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाई सेल वॉल, जब भी एट वाला बनेगा तो आपके एट न्यूक्लियस सराउंडेड हो जाएंगे सेल वॉल से और ऑर्गेनाइज इनटू सेल, सेल को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। रिमेनिंग जो टू न्यूक्लियस हैं वो उनको पोलर न्यूक्लियस कहेंगे एंड सिचुएटेड बिलो द एग अपर्टस, और इसको सेंट्रल सेल बना देंगे, ठीक है। दिस कैरेक्टर साइज कंसिडर्ड ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक के आपके कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। थ्री सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोफाइल इन एंड कंस्टिट्यूएंट एग एपरेटस, तो फिर आपके एग एपरेटस होगा जो इंटर्न ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द टू साइनर ग्राइड्स बना देगा, ठीक है। फिर ये और इसके साथ आपका एक सेल फॉर्म करेगा, फिर आपका इसके बाद से होगा साइनेग्राइट्स जो बनेंगे आपके जो स्पेशल सेलुलर थिंकिंग एट द माइक्रोफायर टिप, इसको बोलेंगे हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। जो आपके साइनेग्रीड्स जो स्पेशल सेलुलर थिंकनिंग्स रखता है, ठीक है, एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो आपके फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है आपके गाइडिंग पोलन ट्यूब्स को, पोलन ट्यूब्स को गाइड करने के लिए, ठीक है। वो आपके साइनर ग्रिड्स में जो पोलन ट्यूब होता है उसको गाइड करने के लिए ये सही रहता है। थ्री सेल्स आर गैजल, जो आपके थ्री सेल जो है वो गैजल हो जाते हैं जो बचे हुए हैं, एंड आर नॉट कॉल्ड एंटीपॉडस, उनको एंटीपॉडस नहीं कहेंगे, ठीक है। मैं कहते हैं वो जो तीन होते हैं, तीन सेल बच गए, वो तीनों सेल एंटीपॉडस कहलाएंगे। द लार्ज सेंट्रल सेल आर मेंशनड, वो मेंशनड हो जाएगा अर्लियर, हैज टू पोलर न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियस में। दस अ टिपिकल एगिनोस्पर्म एम्ब्रायो सैक डेवलप हो जाएगा एट मैच्योरिटी में थ्रू एट न्यूक्लियर्स इन इज सेवन सेल्डेड, माने आठ न्यूक्लियर्स को लेते हुए सेवन सेल में वह तैयार हो जाएगा। अगला जो आपका वीडियो बनेगा वो पॉलिनेशन का बनेगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था आपका टर्म क्या, तो पिस्टिल के बारे में था, और पिस्टिल में क्या क्या फंक्शन होते हैं आपके रिप्रोडक्शन के दौरान वो हुआ। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेशली आपका पोलिनेशन ही है, ठीक है, माने रिप्रोडक्शन का ही टर्म है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है, कितने तरीक़ों से होता है। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ ये वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, आप इंग्लिश समझने में अगर समस्या हुई हो तो आप हिंदी वाले वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।